ये सैटरडे बाजार है, रांची का नंबर वन बाजार। दोनों 200 रुपया के अंदर, और भी 200 रुपया का कोट। एवन सही में हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज हमारे साथ है अमित जी, और बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं लोहापट्टी पुराना बाज़ार, जो कि रांची का कह सकते हो यहाँ से ज़्यादा सस्ता सामान आप लोग यानी कि कपड़े कहीं नहीं मिलेंगे पूरे रांची भर में। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस किस तरह के कपड़े आप लोगों को मिल सकती है, जो कि सबसे कम दामों में मिलती है। यहाँ पर का जो क्या खासियतें हैं वो सारा मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो मार्केट है ये सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को और वेडनेसडे को लगती है। तो अगर आप लोग आना चाहते भी हो तो आप लोग को शनिवार को या फिर वेडनेसडे का दिन चुनना पड़ेगा, और काफ़ी सस्ता मार्केट है। यहाँ मैं अभी लोगों से बातें करूँगा। हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर हम एक शॉप पे आए हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कि कितना अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं। तो भैया से एक बार बात करते हैं। हाँ तो भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुकेश। अच्छा, तो यहाँ पर आप बताइए कि आपके पास कौन कौन ब्रांड का कपड़े हैं यहाँ पर? हमारे पास सब ब्रांड का आता है, स्पाइकर, रेंगलर, पार्क, सब तरह का, मतलब ब्रांडेड ही कपड़ा रहता है हम लोग, और एकदम कम से कम दाम में देते हैं हम लोग। कम से कम दाम 50 से लेके 150 तक का जींस मिल जाएगा आपको, तो ब्रांडेड। मतलब कि मिनिमम 50 और मैक्सिमम ओनली 150? 150 बस, एकदम सस्ता में। और शर्ट भी सब ब्रांडेड रहता है हम लोगों पास। पार्क का, वेल हुसैन का, पीटर इंग्लैंड जैसा, ब्लैकबेरी, सब तरह का पैंट, फॉर्मल पैंट लीजिए, ब्लैकबेरी 50 रुपये में ब्लैकबेरी का पैंट बेचते हैं हम लोग। 50 रुपये में ब्लैकबेरी का? ब्लैकबेरी 50 से लेकर 150 तक का। अच्छा, सब ब्रांड कपड़ा रहता है। भैया आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो ये तो चीपेस्ट मार्केट ही है, सबसे सस्ता ही यहाँ हम लोग कपड़ा देते हैं, सबसे सस्ता ही में हम लोग देते हैं, और जो भी चाहे आ सकते हैं, और हम लोग उसको जो ब्रांड चाहिए वो दे सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप लोग, US पोलो, एशियन, टॉमी हाई लिफ्टर, और भी आपका काफ़ी अच्छा ब्रांडेड देखिए, खाली सिर्फ बेरे का देखिए, बताइए, मतलब टोटली आप लोगों को ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, वो भी काफ़ी चीप प्राइस पे। तो आप लोग एकदम धब्बा बोल दीजिए यहाँ पर। आपने कभी देखा था ये पहली बार? ये मैंने पहली बार देखा, मैं रांची में ही रहता हूँ, बट मुझे नहीं पता था ऐसा। सो आप लोग यहाँ पे आइए, और ज़्यादा बहुत ही सस्ता है, तो आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा सारा चीज़ है। तो अभी मैं अपने लिए खुद के लिए जैकेट लूँगा, तो ये मैं ट्रायल करूँगा। लेट्स सी कैसा लगता है। ये था ना, स्वामित जी आप अपना ओरिजिनल ओपिनियन दीजिएगा, कैसा लग रहा है ये? एक नंबर, एवन। एवन सही में? वाओ। तो अमित जी ने कहा कि अच्छा लग रहा है, तो ठीक है फिर मैं इसे ले लेता हूँ। अब मैं बातें करता हूँ थोड़ा सा कि कितने दाम का है इसका, इसका दाम कितना है? 450। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि काफ़ी सुंदर, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, वाओ जैकेट। ये हल्का खोलिएगा, ये वाला चेन खोलिएगा, ये फर वाला देखिए आप लोग, ये इसमें फर लगा हुआ है, वाओ काफ़ी प्यारा लग रहा है ये, तो ये मुझे बेटर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक ट्राई करने वाला हूँ एक दोबारा। तो ये सेम पीस ब्लैक रंग में है क्या? ये लड़की वाला है 110%। तो अमित जी के कहने के अनुसार ये जो है लड़की वाला है, तो आप लोग कमेंट कीजिए डिस्क्रिप्शन है नीचे कि ये लड़की वाला है क्या। और एक ट्राई करूँगा जो कि वाइट वन, सो लेट्स ट्राई दिस वन। मैं मुझे बहुत शौक है वाइट रंग का पहनने का पहले से ही। ओह, यहाँ पर कुछ तो है, ये बेल्ट जो है थोड़ा गर्ल्स वाला तो लग रहा है मुझे, गर्ल्स वाला है ये, तो मुझे काफ़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि ये गर्ल्स वाला है, तो मैं इसे ले नहीं सकता, पर दिख काफ़ी अच्छा रहा है। पर वैसे अगर ये पसंद आ तो गया है मुझे, तो चलिए जल्दी से ले ही लेते हैं। ये भी इसमें फर लगा हुआ है ना ऊपर में, वाह काफ़ी अच्छा, और ये भी 200 रुपये का कोट। आप लोग एकदम डैम श्योर कि अगर आप लोग जाओगे इसको शोरूम या फिर कहीं भी आप लोग मॉल में, तो आप लोग कभी भी ये इस तरह कोट जो है ना 3000 से कम में देने से ही नहीं रहा, 3000 से कम एकदम नहीं मिलेगा। सिलाई लगेगा 300, 3000 से कम सिलाई नहीं। वाओ,
बताइए कि ये जो बाजार है यहाँ पर इतने सस्ते में कपड़ा कैसे मिल जाते हैं? सस्ता मार्केट है, पुराना कपड़ा का बाजार है, हम लोग उठाते भी है पुराना कपड़ा, जैसे खरीदते भी है। मतलब आप लोग कहीं से खरीदते हो फिर यहाँ पर आके बेचते हैं? हम बर्तन से भी लाते हैं और खरीदते भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, व्यापारी लोग बाहर से आता है ना, उन लोग से खरीदते भी है। आपने अभी जस्ट कहा कि आप कपड़े लेते भी हो, तो जैसे कि आप ऑनलाइन अगर जैसे कोई चाहता हो कि आपको बुलाना है ना, जो आप चल जाएंगे। हाँ जाएंगे। देखिए दादी जी का भी नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और इनको सारे कपड़े के लिए आप लोग कॉल कर सकते हो। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर भैया ने हमसे एक गुजारिश की है कि इनको कुछ यहाँ पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, चलिए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इनको क्या दिक्कत है। बहुत परेशानी है यहाँ पर बरसात के लिए, बरसात में हम लोग को दुकान लगाने में बहुत परेशानी होता है, यहाँ पर पानी आ रहा, बारिश आ रहा, प्लास्टिक बांध के दुकान लगाते हैं हम लोग, कपड़ा तो सब माल सब भींग जाता है, सब खराब हो जाता है, कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला हम लोग को अभी तक, समझे। तो बेसिकली आप लोगों का कहना ये है, ये आप लोगों की मांग है कि आप लोग कम से कम यहाँ पर पानी से बचने के लिए कुछ शेड लगा दिया जाए, कुछ शेड लगा दिया जाए, चाहे हम लोग को कहीं पर दुकान दी जाए, जैसे वंडर मार्केट में सब फुटपाथ को दिया गया है, तो हम लोग को भी फुटपाथ है, हम लोग भी तो फुटपाथ में ही आते हैं ना, तो हम लोग को भी तो मिलना चाहिए ना वंडर मार्केट में। दोस्तों यहाँ पर जो आंटी है उनको कोई प्रॉब्लम भी है यहाँ पर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं ये, तो जैसे कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? आशा भुजिया। अच्छा, तो आपको क्या परेशानी है यहाँ पर और क्या सरकार से आपकी मांग है? सरकार से तो वही मांगे कि हम लोग का गरीब लोग का है यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है कि हाँ मसूर हम लोग का ज़्यादा चल रहा जा रहा है और चौकी का पैसा भी ज़्यादा ले रहा है, वही मांग है कि उसका थोड़ा कम डिमांड में उन लोग को बोले कि कम डिमांड करें। कि आप लोग ये जगह पूरी पड़ती है कि आप लोग को कोई और जगह प्रोवाइड कराना चाहिए? वो ऐसा जगह तो हम लोग का कम ही है, पूरा नहीं पड़ रहा है, और जगह हमको देना चाहिए सरकार को। तो सरकार से नम्र निवेदन है कि इन लोगों का जो बातें हैं उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है, आप लोगों से थैंक यू, मदद कर देना चाहिए जब इतना पब्लिक हमारे आप लोग एकदम साथ है, एकदम पक्का आप लोग को मदद मिलेगा। हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। और हमारे साथ है अमित जी, आज पूरा सहयोग दिया इन्होंने मुझे, और बेसिकली आज पहली बार है जो हम लोग शनिवार को ब्लॉगिंग पे निकले हैं, अदरवाइज हम लोग केवल संडे को ही निकलते हैं, लकीली आज फ्री थे इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पर। और ये जो मार्केट है बस शनिवार को और वेडनेसडे को खुला रहता है, तो आप लोग उसी दोनों दिन आ सकते हो यहाँ पर। और जैसे आप लोगों ने देखा काफ़ी सस्ता यहाँ पर सामान मिल रहा था, तो आप लोग आइए यहाँ पर सारा जो डील है वो ग्रैब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय फ्रॉम अमित जी। कुछ बताना था आप लोगों को जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा बार्गेनिंग करने आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा भी रेट देना पड़ सकता है। तो जैसे आप लोग आते हो और आप लोगों को कहा जाए कि बहुत ज़्यादा रेट, तो आप लोग उसे कम कराने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने किया और हम लोग ले पाए, तो आप लोग भी कोशिश करो कि उस तरह से कर पाओ और आप लोग को भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ में आएगी, तो आप लोग कोशिश करना कि कम से कम लेने की, और नहीं तो आप लोग ज़्यादा भी देकर जा सकते हो, तो ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ दोस्तों, फिलहाल हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है, निकनेम काफ़ी अच्छा, जेडी। ये रांची का सबसे सुपर मार्केट है अपर बाजार। अच्छा। नंबर वन में आता है यहाँ का। ये जो आप देख रहे हैं मार्केट में, यहाँ से वहाँ तक जितने भी बाजार लगे हैं, ये सैटरडे बाजार है रांची का नंबर वन बाजार। सबसे इंटरव्यू ले लेंगे, ले लिए पूरा, ले लिए हम लोग, ले लिया पूरा, ले लिए खत्म कर लिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हम लोग फिलहाल 2000 सब्सक्राइबर से काफ़ी नज़दीक है, और जिस तरह से मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी फैमिली 2000 से ज़्यादा काफ़ी जल्दी होने वाली है। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, जय हिंद जय भारत।